हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं करण अरोड़ा, फाउंडर एंड सीईओ आई ट्रानिंग सॉल्यूशंस, आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यर्न फाइनेंस के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन जानने के लिए अगर हम इसका रैंक देखें तो इसका 69 रैंक है। टॉप 100 क्रिप्टो करेंसी में से यहाँ पे यर्न फाइनेंस आती है। और इसका अगर आप प्राइस चेक करेंगे तो जो है 23,38,030 रुपीज़, 4% डाउन आया है। अभी यहाँ पे पॉसिबिलिटी देखेंगे कि अभी इसका प्राइस कितना ऊपर जा सकता है, क्योंकि काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ही जा चुका है। और यहाँ पे इसकी पूरी पॉसिबिलिटी अब चेक करेंगे कि अभी आपको किस पॉइंट के ऊपर अगर आपको एंट्री लेनी है तो किस पॉइंट के ऊपर आप ले सकते हैं। अब सबसे पहले अगर हम इसकी सप्लाई की बात करें, इसकी जो टोटल सप्लाई है वो बहुत कम है, जो कि 36,666 है। इतनी कम सप्लाई है, इसी की वजह से इसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके होल्डर्स की, तो होल्डर्स के पास भी ज़्यादा होल्डिंग नहीं है। टॉप 10 होल्डर के पास 45% होल्डिंग है। जिसके पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है वो है 14.96%। आप यहाँ पे उसका एड्रेस चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कौन है ये। उसके बाद अगर हम बात करें ओवरव्यू की, तो ओवरव्यू में भी आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, इसका जो प्राइस चार्ट है। उसके बाद ट्रेडिंग व्यू के अंदर भी आपको सारे ग्राफ दिख जाएंगे, वो सारे अवेलेबल हैं। अब हम इसकी टेक्निकल एनालिसिस भी बात करेंगे, लेकिन इसका प्रोजेक्ट क्या है वो आप अगर जानना चाहते हैं कि हर प्रोजेक्ट क्या होता है, आपको नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिख जाएगी। ये भी एक इथेरियम बेस्ड टोकन है, जैसे कि बैंकिंग सिस्टम जैसे वर्क करता है। जो बैंक है वो हमारे सेंट्रलाइज है। अगर मेरे को बैंक से पैसे लेने हैं या मेरे को बैंक को पैसे देने हैं ताकि मेरे को बैंक उसका इंटरेस्ट दे, जैसे हम मनी लेंडिंग करते हैं, तो यर्न फाइनेंस के अंदर भी आप यहाँ पर सेम चीज़ जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है आप स्टेकिंग करके पैसे कमा सकते हैं। आपको यहाँ पर यर्न फाइनेंस को जो भी आपने टोकन होल्ड किए हैं आप उनको यहाँ पे इनको दे दीजिए, वो चाहे आप USDT दे रहे हैं या आप जो भी क्रिप्टो यहाँ पे अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट रेट ये बता देंगे कि आपको इतना इतना जो है वो इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे स्टेकिंग कर सकते हैं। स्टेकिंग करने के बाद जैसे हम कोई भी बैंक को पैसे देते हैं, बैंक हमें साल का 4% देता है, 1 लाख रुपये पे 4,000 मिलते हैं, राइट। ऐसे ही यहाँ पर आपको वीकली मंथली उस हिसाब से इंटरेस्ट मिलते हैं। अगर आपको स्टेकिंग ही करनी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि बाइनेंस के ऊपर जाके आप स्टेकिंग कर सकते हैं, वहाँ से आप अच्छा पैसा जो है वो अर्न कर सकते हैं। लेकिन वो स्टेकिंग आपको तब करनी है अगर मार्केट अप ट्रेंड में हो, तब आपको फ़ायदा हो सकता है। या आपने स्टेकिंग की, स्टेकिंग करने के बाद आपको पैसा भी बढ़ गया, और जिस टाइम पे आपने अपनी उस क्रिप्टो करेंसी को जब आप सेल किया तब भी मार्केट ऊपर थी। लेकिन अगर आप डाउन ट्रेंड में स्टेकिंग कर रहे हो, आपको पैसे तो मिल रहे हैं लेकिन जब आप पैसा वहाँ से निकालोगे स्टेकिंग के बाद, तब तो आपकी जो क्रिप्टो करेंसी है वो डाउन हो जाएगी ना, तो आपको इतना प्रॉफिट नहीं होगा। तो वो आप स्टेकिंग की वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, उसके अंदर हम डिस्कशन कर लेंगे। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर अर्न के ऊपर क्लिक करें, तो यहाँ पर इन्होंने अभी जो है बीटा वर्जन लॉन्च किया है, तो ये जो प्रोजेक्ट है बीटा में है। तो अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, आप अपने रिस्क के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब आप यहाँ पे अपना वॉलेट कनेक्ट करेंगे, चाहे वो जो भी वॉलेट आप यूज़ करते हैं, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, लेजर, ट्रेजर, जो भी आप वॉलेट यूज़ करते हैं, तो वो अभी एक रिस्की हो सकता है, क्योंकि हो सकता है इसमें बग्स हों। अगर एक भी हैकर ने कोई बग निकाल लिया तो उसके थ्रू अगर वो आपकी क्रिप्टो करेंसी को जो भी आपने यहाँ पे इन्वेस्ट की है अगर वो किसी तरह से हैक कर लेगा, तो आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो यहाँ से हो सकता है। ऐसी लेंडिंग के ऊपर भी जाएंगे, ये सारा अभी बीटा मोड में है, तो अभी मैं यहाँ पर रिकमेंड नहीं करूँगा। स्टेकिंग करनी है तो आप बाइनेंस के ऊपर जाके कीजिए। अब बात करें अगर टेक्निकल एनालिसिस की, तो यहाँ पे मेरे को डबल बॉटम पैटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ से आप ये देखिए, फर्स्ट पैटर्न, यहाँ पे फर्स्ट बॉटम, उसके बाद इसने इस लाइन को टच किया, अपनी जो रेजिस्टेंस उसको टच किया, फिर नीचे आया, और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट बन रहा है वो ये बन रहा है। तो बहुत बार कई लोग गलती कर देते हैं, वो जो डबल बॉटम में जब भी पैटर्न बनता है, इस चीज़ को मैं यहाँ पर जो है ये मेरा फर्स्ट बॉटम है, तो दिस इज़ माई फर्स्ट बॉटम, और ये वाला जो है ये मेरा सेकंड बॉटम है। तो दो बॉटम बनते हैं यहाँ पे। दो बॉटम बनने के बाद कई बार लोग जो है उसको गलत बना लेते हैं और उसको इस हिसाब से बना देते हैं और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो इस पॉइंट तक जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है वो इस पॉइंट तक जाए, और ये भी पॉसिबिलिटी है वो इस पॉइंट तक जाए। यहाँ से हमारे तीन टारगेट निकल के आते हैं। एक तो वो यहाँ पर पहला टारगेट इस करंट पोजिशन से वो यहाँ पर इस पोजिशन पर जाए, सेकेंड टारगेट वो यहाँ पे जा सकता है, थर्ड टारगेट वो यहाँ पे जा सकता है। तीन टारगेट हो सकते हैं, ठीक है। अब तीनों टारगेट में अगर एक भी टारगेट अचीव नहीं होता तो जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये टारगेट आपको मिल सकता है। तो यर्न फाइनेंस का जो प्राइस है, YFA का है, जो मैं यहाँ पे प्राइस बता रहा हूँ, वो यहाँ पे भी आ सकता है। मतलब $24,800 पे भी आपको YFA मिल सकता है। आपको यहाँ पे जब ये इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा, देन आपको वो चीज़ देखनी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये इस लाइन को ब्रेक कर पाता है या नहीं कर पाता। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ पे अगर हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है,
और अगर हाई वॉल्यूम के साथ मिलती है, एक अच्छी कैंडल मिलती है, हमें इस तरह की कैंडल चाहिए। ये ना हो कि हमारी जो कैंडल है वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिले, तो ये मैं ब्रेकआउट नहीं मानूंगा। कि अगर इस तरह से कैंडल मिल रही, थोड़ी देर के लिए हाई हुआ, हाई होने के बाद नीचे आ गया, एटलीस्ट आपको वेट करना है 4 आवर चार्ट के अंदर कि आपकी 4 आवर की कैंडल जो है वो जब क्लोज हो वो यहाँ पे क्लोज होनी चाहिए, आपकी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। कौन सी 4 आवर कैंडल की जो क्लोजिंग है वो आपकी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हो, तभी कन्फर्मेशन होती है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कब आपको कन्फर्मेशन मिलती है। ये चीज़ बड़ी ध्यान से समझने वाली है। आपको सबसे पहले ये कैंडल चाहिए जो कि आपकी ब्रेकआउट करे। ये आपका कैंडल का लोएस्ट प्राइस होता है, ये आपका कैंडल का हाई प्राइस होता है, और ये वाला जो पॉइंट होता है ये होता है आपका ओपन, और ये वाला जो पॉइंट है ये होता है आपका क्लोजिंग पॉइंट। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्लोजिंग पॉइंट कहाँ हो रहा है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हो रहा है। और ये कैंडल कौन सी होनी चाहिए, ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, तो रेड कैंडल नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद जो सेकंड कैंडल बनेगी, यहाँ पे क्लोज हुई मतलब यहाँ से प्राइस स्टार्ट होगा, उसके बाद वो क्या करेगा, आपकी जो कैंडल बनेगी वो यहाँ से रीटेस्ट करेगी। अगर यहाँ से ये नीचे आ जाती है तब हमें कन्फर्मेशन मिल जाएगी कि इसका जो प्राइस है, अगर ये नीचे आती है देन हमें कन्फर्मेशन मिलेगी इसका प्राइस यहाँ पे जाएगा। अगर ये नीचे नहीं आती, यहाँ पे टेस्ट होने के बाद वापस ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर जाती है, देन हमें कन्फर्मेशन मिल जाएगी इसका जो पहला टारगेट है दैट इज 37,500 के अराउंड लेके चलते हैं, ये वाला जो टारगेट है ये सबसे पहले अचीव होगा। उसके बाद जो इसका जो नेक्स्ट लेवल होगा वो टारगेट अचीव होगा, वो टारगेट कौन सा होगा, वो यहाँ पे अचीव होगा। तो ये वाली लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो ये टारगेट अचीव होगा अराउंड 40,000 के अराउंड, हम मान के चलते हैं 40 to 42 के बीच में, तो ये वाला जो टारगेट है वो होगा। तो उसके हिसाब से आपको कन्फर्मेशन लेनी है। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, वो ये मान लेते हैं कि यहाँ पे कैंडल बनती है इस तरह से, और वो ये बोल लेते हैं कि यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया, एंट्री ले लेते हैं इस पॉइंट के ऊपर, या इस पॉइंट के ऊपर भी एंट्री ले लेंगे। जब एंट्री ले लेंगे उसके बाद प्राइस कहाँ पे आ जाता है, नीचे आ जाता है, जहाँ से आपको बहुत लॉस हो जाता है। ये बहुत छोटी सी चीज़ है, आपको समझ में आ गई देन आप ट्रेडिंग में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान में रखना है। अभी जो चांसेस बनते हैं वो इसके यहाँ पे जाने के चांसेस बनते हैं, इस पॉइंट के ऊपर हमें ऑब्जर्व करना है। अगर यहाँ से नीचे की तरफ आ गया देन हम यहाँ से इसको शॉर्ट करेंगे और यहाँ तक शॉर्ट करेंगे, या उससे पहले यहाँ तक शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। ये टारगेट रहेगा, फिर उसके बाद देखेंगे अगर इसको भी ब्रेक करता है देन उसके नीचे हम इसको शॉर्ट करेंगे, क्योंकि मैं डे चार्ट के ऊपर हूँ, 4 आवर चार्ट के ऊपर देखेंगे तो अच्छे से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता चल जाएंगी। अब अगर यहाँ से ऊपर की तरफ वो स्ट्रैटेजी अगर मैंने बताई, जो कैंडल अगर ऊपर क्लोज होती है और रीटेस्ट कर लेता है यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर, अगर दोबारा रीटेस्ट करता है देन हम यहाँ से अपना टारगेट बनाएंगे। अगर इसको भी अच्छे से उसी पैटर्न में अगर रीटेस्ट करके उसको ब्रेक कर देता है देन हमारा टारगेट जो है वो ये जाएगा, अदरवाइज वापस यहाँ से आपका टारगेट नीचे की तरफ जाएगा। ये सारे के सारे टारगेट है, इसी हिसाब से आपको यहाँ पर ट्रेडिंग करनी है, देन आप जो है वो अच्छा पैसा जो है इसमें बना सकते हैं। तो अब अगर 4 आवर चार्ट की अगर हम बात करें तो उसमें हमें क्या पॉसिबिलिटी मिलती है, क्या हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मिलते हैं, वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। अब अगर 4 आवर चार्ट की बात करें तो ग्राफ थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, यहाँ से W आपको दिख गया होगा, ठीक है। 1 डे चार्ट के अंदर आपको क्लैरिटी कुछ डिफरेंट हिसाब से मिली होगी। अब जैसे कई बार आपको पैनिक हो जाते हो कि यहाँ से वो नीचे आना था लेकिन नीचे आने के बाद यहाँ से एकदम ऊपर चला गया फिर नीचे आया, ठीक है। तो कई बार ऐसा हो जाता है, ये नहीं कि पैटर्न हमारा ख़राब हो जाएगा, पैटर्न बनेगा। हो सकता है यहाँ पे एक बार नीचे आने के बाद वापस ऊपर चला जाए, हमारा टारगेट वही रहेगा। तो उसमें हो सकता है कि आपको 2 दिन होल्ड करना पड़े, 4 दिन होल्ड करना पड़े, 5 दिन भी होल्ड करना पड़ सकता है। तो वो चीज़ ध्यान में रखनी है। अभी जैसे इसने रिसेंटली इस ये जो इसकी रेजिस्टेंस थी इसको टच करके नीचे आया, हो सकता है थोड़ी देर ये ट्रेड करे, यहाँ पे आए 31 से वापस 33 तक चला जाए। अगर थोड़ी देर साइडवेज में भी चला गया, थोड़ा नीचे भी आ गया, उसके बाद 29 से 33 पे चला जाएगा, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 33 तक हो जाएगी। अभी पॉसिबिलिटी यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे तो 34 तक भी जा रही है, उसके ऊपर देखेंगे 37 तक भी जा रही है। तो इस हिसाब से यहाँ पर लेवल दिख रहे हैं 31, देन 29, 722, देन 27,000 के राउंड, और लास्ट 24
1800 के अराउंड हमें जो है इसका प्राइस देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वाईएफआई। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आपको जितनी भी अपडेट चाहिए अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट की और इंटरेस्टेड वीडियोज़ के साथ। थैंक यू।